अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अनदर डेली रूटीन ब्लॉग के साथ हमेशा की तरह, अभी मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया है, थोड़ी सी वॉक की है और अब मैं जा रही हूँ घर। सुबह वॉक करके ना, हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। माइंड बिल्कुल ना बंदे का फ्रेश हो जाता है। सो मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी सेहत के लिए। आपका अगर सारा दिन आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा गुजरे, तो आपको मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। ये देखें कितने प्यारे हैं। हेलो हेलो, देखे ज़रा कितने प्यारे डॉग्स हैं। आज ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसा लगता है जैसे आप ना फ्रिज होती है ना, या फ्रीज़र, और आप उसका दरवाज़ा खोलते हैं और एकदम से ठंड आती है। जब मैंने आज दरवाज़ा खोला है ना, तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा है। बहुत ज़्यादा सर्दी है और नवंबर का महीना है, सर्दी तो होगी। अच्छा, जैसे ना बाहर रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मसाइल भी होते हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मसला होता है वो अलोन पेरेंटिंग का होता है। मीन्स कि आपको अपने बच्चों को ख़ुद ही बड़ा करना होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि दादा दादी हेल्प कर रहे होते हैं, नाना नानी हेल्प कर रहे होते हैं, एक बच्चा होता है और साथ में ना 20 लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे भी दादा दादी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन ना यहाँ की लाइफ ही कुछ इस तरह की है कि आपने ख़ुद अपने बच्चों को बड़ा करना है। और आपने हर कोई इवन बीमार हो जाए, हम उस दिन आपने देखा होगा कि जब ज़ारा की अपॉइंटमेंट थी तो फिर मैं सबको साथ लेके गई थी। तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको हैंडल करना समटाइम्स बहुत हार्ड हो जाता है। अब मैं तो इतने साल हूँ यहाँ पे और मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरी एक बेटी थी और माशाल्लाह से अभी मेरे 5 बच्चे हैं। तो अब इनको ना, मतलब जैसे मैंने, ये लोग ग्रोन अप हुए हैं, मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया। लेकिन मैं जो नए आ रहे हैं यूएसए में या बाहर आप लोग जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि जब आप फैमिली लेके बाहर जाते हो तो दैट्स नॉट ईजी कि आप हर चीज़ को मैनेज कर लोगे। कोई हेल्प नहीं होती, यू नो, ग्रॉसरी से लेकर, कुकिंग से लेकर, क्लिनिंग से लेकर, इवन आपके बच्चों की जो दीनी तालीम है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जो वैसे जो तालीम है वो भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चों की एज चेंज हो रही होती है ना, ऐसे ऐसे बच्चों का मूड भी स्विंग कर रहा होता है। आपने उन सब चीज़ों के साथ बहुत ही, आपने कहते हैं ना कि आपने वाइजली वो सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, हम पाकिस्तान में, इंडिया में ट्यूटर होते हैं, ट्यूटर रख देते हैं जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे ट्यूशन बहुत महंगी है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। अब जैसे अगर मैं 5 बच्चों की अगर आप कहें ना, तो ईयरली इट्स गोना बी मोर देन $10,000। सो ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि लोग जो नए आ रहे होते हैं उनको जहन में रखनी चाहिए। और डॉलर ट्री से मैंने ये शॉपिंग की थी जी, पीनट्स से। पीनट्स मेरे मोस्ट फेवरेट हैं विंटर्स में। और मुझे कुछ ग्लव्स चाहिए थे, जो चाहिए थे वो मुझे ग्लव्स नहीं मिले। एक मैंने कैचर लिया था। अच्छा, ये टोस्ट ना मुझे बहुत क्यूट लगे, बिल्कुल देखें ब्रेड और छोटे छोटे ना स्लाइसिस बने हुए थे। और मैंने सोचा कि अजलान की प्रैक्टिस, अब मैं उसको वैसे नोटबुक पे करवाती थी, जब वर्कशीट्स मिलती हैं डॉलर ट्री पे, तो मैं वहाँ से ये ले आई। मैंने सोचा कि इसके साथ साथ जो दीनी तालीम है, तो वो हमने अपनी अम्मी से यही सीखा है। जैसे सोने से पहले ना, आपका जब बच्चा छोटा होता है तो उसको आप प्रैक्टिस करवाया करें, और बहुत सारी दुआएं होती हैं जो कि उसको याद करवाया करें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, अच्छा कलमा है, फिर आपने उसको सूरह इख़लास हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आप रिपीट करवाएँ तो बच्चे बहुत ही आसानी के साथ लर्न कर लेते हैं। हमें खुद, हमारी अम्मी ने नमाज, हम लोग जब 7 ईयर्स के थे तो हमें नमाज आती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप बच्चों को अगर टाइम दें तो बच्चे टाइम के साथ बहुत आसानी के साथ सीख जाते हैं। और सर्दियां जो होती हैं ना, रातें तो बहुत लंबी होती हैं, और मौसम भी इस तरह का होता है कि आउटडोर्स के तो कोई इतना ज़्यादा चांस नहीं होता। तो वो टाइम होता है बेस्ट, फैमिली टाइम होता है, जब अपनी आप फैमिली को टाइम देते हैं। और विंटर्स में तो वाकई बहुत टाइम होता है हम लोगों के पास।
जी अभी लंच की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज इसको मैंने कर लिया है ब्लेंड। आज मैं थोड़ी सी रन आउट हो गई हूँ, मीन्स कि थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं लंच के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे। गोश्त को मैंने, चिकन को काट के अच्छे तरीके से धो लिया है और दाल मैंने भिगो दी थी। सो अब हम एक और चीज़ भी बना रहे हैं, और मेरे ना हाथों में एलर्जी होती है, तो ये अरबियाँ हैं, तो मेरी सास अम्मी ने बोला कि तुम ना इसको बॉयल करोगी तो इसका छिलका उतर जाएगा, तो मैं अरबी भी बना रही हूँ शिम के साथ, तो वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी, शेयर करूँगी, क्योंकि आज की मसरूफियत तो ज़्यादा ही है। तो मेन तो ये है कि अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये सारा लंच और अभी मैं स्टार्ट करूँगी कुकिंग। आज टमाटर भी ख़त्म हो गए हैं, अदरक भी बहुत थोड़ी थी, तो मैंने क्या किया जी, वो जो अदरक का पीस था, लहसुन और कच्ची हल्दी और प्याज का पेस्ट बना लिया। हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे और इसके साथ साथ वो जो सारा पेस्ट होगा ना, हम उसके अंदर डाल देंगे। आज टमाटरों के बग़ैर मैं आपको इतने मज़े की दाल बना के दिखाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और वाकई मैं वॉइस ओवर नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो बहुत मज़े की दाल थी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की थी। ये बस ना आपके ऊपर होता है, ये हमारे माइंड में होता है, अच्छा टमाटर ख़त्म हो गए हैं तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा अदरक ख़त्म हो गई है तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम चीज़ों को अगर थोड़ा सा बैलेंस कर लें तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ी भुनाई का होता है, जब भी आप कोई भी सालन बनाएं तो आपने क्या करना है कि उसको भूनना बहुत अच्छा है, उसके जो मसाले हैं सारा कुछ। अब देखें, ये मैंने पेस्ट डाला है, इसमें प्याज है, अदरक थोड़ी सी है, लहसुन है और कच्ची हल्दी है। इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साबित गरम मसाला, रेड चिली, टर्मेरिक और नमक, बस ये चीज़ें मैंने डालूँगी और मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। अच्छा, वो जो कच्ची हल्दी होती है ना, और मेरे पास जो हल्दी है वो भी घर की है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा। देखें, अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको गलाऊंगी और मैं वेट कर रही थी चिकन को, फिर मैं दोबारा से भूनूंगी। भूनने के बाद मैं उसके अंदर डाल दूंगी जी दाल, थोड़ा सा और मैंने भूना उसके अंदर, अब मैंने डाल दिया है पानी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पानी मैंने ज़्यादा डाला है और मैं इसको हाई फ्लेम पर कुक करूँगी। दाल मैंने पहले भिगो के रखी हुई थी, इसलिए मेरी दाल ना बहुत जल्दी गल जाएगी, या फिर मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क का पानी बहुत अच्छा है, कोई भी चीज़ कुक करो ना तो बहुत जल्दी गल जाएगी। आप लोग शायद मुझसे एग्री करेंगे, पानी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब हम गोश्त गलाते हैं या दाल गलाते हैं। तो दाल बहुत मज़े की थी और देखें बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी, बच्चों ने इतनी ज़्यादा इंजॉय की थी। ये मैं एंड पे ना, मैं उस टाइम भूल गई थी, तो जो दाल रह गई थी मैंने बाउल में डाली थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और उस टाइम मैं चाय भी बना रही थी, शाम की चाय का टाइम था, और इतने मज़े की दाल थी कि बहुत ही मज़े की थी। इवन अज़लान ने भी इंजॉय की, सब ने ना, और बैलेंस थे उसके मसाले, बहुत ही बैलेंस थे। तो चाय बन गई है जी, हम पीते हैं चाय, और आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे ना तो आपने लाइक करना है, नहीं अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बोलना कि क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। और फिर ये स्नैक टाइम था, अच्छा स्नैक टाइम में आज ना मैं बेक पोटैटो और साथ में मैं चिकन तंदूरी बना रही हूँ, जस्ट वेजीज मैंने की थी, और ये तंदूरी भी अब खुद ही मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया था और मसाले ऐड करके बना लिया था। और शाम का ये जनाब खाना था जो कि अभी मैं सर्व कर रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की डेली रूटीन। पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका हूँ मैं, और आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह।